नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन दो के बारे में। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड जो आपकी बुक से, उसके अभी तक हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये 5वां चैप्टर होगा आपका, औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, याद रखिए, मैं बार बार यही कहूंगा कि इसे एक बार आप कहानी की तरह सुनिए और बाद में जो भी इसका निष्कर्ष होता है अध्याय का बता दिया जाता है लास्ट में। ठीक है, और एक दो बार आप सुनेंगे आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, और हमें बेस बनाना है इसमें, थोड़ी कुछ समझना है बस, रटना थोड़ी है कुछ। एक हमें जो शब्द हैं नॉर्मल परिभाषा दी गई है यानी कि कहानी के रूप में, उन शब्दों को जानना है और बस निकल जाना है। तो आराम से सुनिए, बीच में आप हड़बड़ाइए मत, लास्ट में इसका निष्कर्ष बता दिया जाता है। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं भी नहीं है। इस अध्याय में हम एक घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल की वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। समझ में आया? कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। कम अवसर कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है। लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़े की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसे नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और दोष दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6वीं की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरे के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है, रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने
इस धारा का रूप बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है कि इन्हें चुनौतियों से खेलना पसंद है। जैसे ही कोई यह कहता है कि फलों का लड़कियों के लिए नहीं है, तो उसे करके रहती है। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अवसर लाए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब वो उनसे पॉलीटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाने, और अब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक उसे मजा आ रहा है और उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है और वो अच्छे से रह पा रही है और अपने माता पिता की मदद कर पा रही है, तो उसे अपने तरीके से क्यों ना जिए। इनकी कहानी है ड्राइवर। अब बात करते हैं परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकांश संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे कि जब सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पहुंच के बाहर है की बात, या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह साधारण धारणा थी कि लड़कियां और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। जेवियर, एक कुछ कहानी है। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान, जेवियर गणित में कुछ तुम सिर्फ 65% लाए हो, 35% लाए हो। भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है। हाँ माँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास में क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। इस तरह आपने देखा होगा गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में, कि उनके बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप सलाह दिया करते हैं। बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं है पसंद, क्या आगे लेना है, उसका फैसला उनके माँ बाप करते हैं। रामाबाई 1858 से 1920 अपनी बेटी के साथ। महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर हाथ
की तरफ छपी तस्वीर में उनका कारखाना दिख रहा है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। आगे बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, लगभग 200 वर्ष पूर्व, शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक विचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम राजसुंदरी देवी का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 8 वर्ष की अवस्था में उन्हें बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती और विधवा हो जाती। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। ये अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी। उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच बीच में विश्राम नहीं होता था। उस समय एक केवल 14 वर्ष की थी। इनके मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, ये पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। ये अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जा सकता था। बाद में ये स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। इन्हें क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ने नहीं है, पढ़ती नहीं है, फिर भी ये कैसे पढ़ूंगी। इनके मन में ये विचार चले। फिर भी इन्हें एक सपना आया कि ये चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। शिक्षा प्राप्त करने के करके कुछ महिलाएं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन किया करते हुए कहानियां आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की है। बाद में दिन के समय में जब ये रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी तो इनके अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी थी, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई तो इन्होंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था क्योंकि किसी को भी वह मेरे इनके हाथ में नहीं देखना चाहिए था। इनका सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखना अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी इन्होंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता तो ये जाती और पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। ये उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो ये दिन भर में सुनती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद ये पढ़ना सीख सकी। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन में भर में क्षण भर कभी विश्राम नहीं मिलता, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा भी ले। तो राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, ये आपकी रुकैया सखावत हुसैन और लेडीलैंड का उनका अपना सपना। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर एक लेखिका बनी। 1905 में जब
केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा की कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई, जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती। लेडीलैंड एक ऐसा स्थान था जहाँ स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती और हवाई कारें चलाती। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं, और पुरुष एक अलग अलग स्थान भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराय के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उनकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह केवल स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा रुकैया सखावत हुसैन, उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्टि नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उसे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। राजसुंदरी देवी और रुकैया सेन हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही। इसके के बावजूद बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। फिर बात करते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले बालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011, याद रखना, 1961 में कितना, 40% पुरुषों में साक्षरता थी, महिलाओं में 15 केवल। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है, और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% हो गई है। इसका असर यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक प्रतिशत है, इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों में कि उन लड़कियों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक, इसमें लड़के 4%, 4.636%, लड़कियां 3.88%, कुल है 4। सब में ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति का है और ये अनुसूचित जनजाति का है, ये अनुसूचित जाति का है। उच्च प्राथमिक कक्षा में 6 से 8 तक, इसमें लड़के 3.49% और 4 सब लड़कियों में 4.60, ये हो गए इनका 4.303% लड़के बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति में 5%, 6.03 लड़कियां और 5.51 इसमें पुरुष कुल छोड़ते हैं। ठीक है,
छह से आठवीं तक के, और अनुसूचित जनजाति में लड़के 8.48% और लड़कियां 8.71%, तो ये ग्रहण का 8.59%, ये आप कक्षा 8 से 6 से 8 में छोड़ देते हैं। माध्यमिक शिक्षा की बात करें 9-10 में, तो इसमें लड़के 17.21% लड़के शिक्षा छोड़ देते हैं, लड़कियां 16.88% छोड़ देती हैं, और ये की बात करें तो 17.06% लड़के कक्षा 9वीं 10वीं में स्कूल छोड़ देती हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.64% और लड़के 19.05, कुलेव 19.36% कक्षा 9वीं 10वीं में स्कूल छोड़ देते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 24.40 लड़कियां और 24.68 यानी कि कुल शिक्षा छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं कक्षा 9वीं 10वीं में। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष तक समय बिता पा रही हैं। दलित आदिवासी मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं ना ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे स्कूल भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में से कई औरतें, कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जगत जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। अभियान क्या है? अभियान भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी गई। इसी तरह एक महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का दिशा निर्देश दिया था। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देशभर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आईं
और उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। सत्यरानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइल से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी सत्यरानी। जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ों, नाटकों व जन सभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों को के बीच पहुंचाता। याद रखिए, कोई भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ महिलाओं की कोई छुड़ी, कोई भी काम हो, फिर चाहे वो आपका सफाई अभियान का हो या किसी भी तरह का काम हो, अगर लोगों में जागरूकता नहीं होगी तो आप कितने भी कानून ले आओ, कितना भी कुछ कर लो, कोई भी सरकार आ जाए, कुछ नहीं बदलने वाला है। ठीक है, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जनता जनता में समझ में नहीं आएगी, कोई काम नहीं होगा। ठीक, सबसे बड़ा काम है जागरूकता का। अगर जागरूक हो जाए तो सब काम हो सकते हैं। विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कि किसी कानून या नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने, जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं 8 मार्च को। ठीक, हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शन करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। ये आपकी तस्वीर, ये आपके अध्याय हो गया, इससे संबंधित ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए। ठीक, टेलीग्राम पर PDF डली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक, ये शब्द संकलन है, रूढ़िवादी धारणा है। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं ही हैं, या भी केवल खास प्रकार का कार्य कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा है कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया है, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने को से रोकती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन। जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रीति, प्रताड़ना। इसका अर्थ आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक व मौखिक हरकतें करने से। तो इस अध्याय में हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं पुरुषों के बीच किस तरह की असमानता है फैली हुई। ठीक, उस समय देखा है कि ऐसा कोई काम नहीं जो महिलाएं ना कर सकें। फिर चाहे आपने कोई भी कहानी हो पढ़ने की, देखो बिना सुविधा मिलते हुए भी पुरुषों से आगे निकल रही हैं महिलाएं। ठीक है, फिर आपके महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता से संबंधित जो भी आपके तथ्य हैं वो सभी हम लोगों ने देखे। तो ये थी आपकी तीसरी इकाई। आगे हम बात करेंगे छठवें अध्याय के बारे में, संचार माध्यमों को समझना। छठवां अध्याय होगा आपका संचार माध्यमों को समझना।